सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजपूत फोटोग्राफी। सो गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यह बताने वाला हूँ कि आप लोग वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को कैसे एडिट कर सकते हो, एंड साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँ कि आप लोग अपने बैकग्राउंड को अलग अलग कलर टोन में कैसे एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अपने फोटो को अलग अलग कलर टोन में यहाँ पर एडिट किया है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं वन क्लिक के अंदर अपने फोटो में कुछ इस तरह कलर टोन एड करना, तो आप लोग इस वाले वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिएगा, ताकि आप लोग डेली इस तरह का फोटो एडिटिंग का वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हैं वन क्लिक के अंदर अपने फोटो में कुछ इस तरह कलर टोन ऐड करना, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दूंगा डाउनलोड अनलिमिटेड क्यूआर कोड नेम से। तो आप लोग जो है उस वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने हमारा वेबसाइट खुल के आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले पोस्ट पर आप लोग एक बार टैप कर लीजिएगा, और अगर आपके सामने ये वाला पोस्ट नहीं आता तो आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग पोलर क्यूआर कोड यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोस्ट आ जाएगा। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले पोस्ट पर आप लोग एक बार टैप कर लीजिएगा यहाँ से, और इसको कुछ इस तरह से आप लोग नीचे की ओर यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड क्यूआर कोड नेम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस वाला डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर आप लोग एक बार टैप कर दीजिएगा यहाँ से, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, क्रोम के ऊपर एक बार सेलेक्ट करके आप लोग इन सारे क्यूआर कोड की यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस क्यूआर कोड का क्या यूज है मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इन सारे क्यूआर कोड को यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके इस वाले सभी क्यूआर कोड को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम बैक करते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सब क्यूआर कोड अवेलेबल है। तो गाइज अभी आप लोग क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर आप लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके आप लोग क्या कीजिएगा, पोलर एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो आपके सामने इस वाला एप्लीकेशन खुल के आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो गाइस जैसे आप लोग पोलर एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, तो आपको सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना प्रोफाइल यहाँ बना सकते हैं, ताकि आप लोग यहाँ पर फोटो एडिटिंग कर पाओगे। आप लोग जीमेल आईडी को लॉगिन करके अपना प्रोफाइल यहाँ बना लीजिएगा। तो अभी क्या करते हैं, फोटो एडिट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिट वाला ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर टैप करते हैं, और लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको एक गैलरी टाइप का लोगो मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर लोगो पर आप लोग क्लिक करके आप लोग को जिस फोटो को यहाँ पर एडिट करना होगा, आप उस वाले फोटो को सिंपल से यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वाले फोटो को यहाँ पर पोलर एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया। तो अभी क्या करेंगे, वन क्लिक के अंदर अपने फोटो को एडिट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइड में आपको एक क्यूआर कोड नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले क्यूआर कोड पर आप लोग एक बार टैप कर लीजिएगा, तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा आएगा। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, इंपोर्ट क्यूआर कोड के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, और आप लोग जो अभी क्यूआर कोड यहाँ पर डाउनलोड किए होंगे उस वाले क्यूआर कोड को एक एक करके आप लोग यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ से एडिट विथ फिल्टर के ऑप्शन पर आप लोग एक बार टैप कर दीजिएगा। अब फिर से इंपोर्ट फिल्टर के ऑप्शन पर आप लोग एक बार टैप करके फिर से दूसरे क्यूआर कोड को यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा, और फिर से आप लोग एडिट विथ फिल्टर के ऑप्शन पर आप लोग एक बार क्लिक कर लीजिएगा। अगेन आप लोग इंपोर्ट फिल्टर के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके दूसरे क्यूआर कोड को सिंपल से यहां से ऐड कर लीजिएगा, और सिंपल से आप यहां से इसको राइट क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्यूआर कोड के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे, और यहां से क्या करेंगे, बैच इंपोर्ट फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपको सर जितना भी क्यूआर कोड यहां पर आप लोग ऐड किए होंगे सारा यहां पर शो अप हो जाएगा। तो गाइज आप लोग यहां पर देख सकते हो, वन क्लिक के अंदर हमारा फोटो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहां पर एडिट हो चुका है, जो कि नंबर वन पर ब्लैक कलर टोन यहां पर है बिफोर एंड आफ्टर, अभी आप लोग देख ही सकते हो, और नंबर टू पर ग्रीन कलर टोन है बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो आप लोग, नंबर थ्री पर है एक्वा कलर टोन, और नंबर फोर पर है येलो कलर टोन, और नंबर फाइव पर रेड कलर टोन। अगर आप लोग और क्यूआर कोड को ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से इंपोर्ट फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग फिर से क्यूआर कोड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप लोग को जिस कलर टोन में अपने फोटो को एडिट करना है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेड कलर में सेलेक्ट करता हूँ, और सिंपल से इसको राइट क्लिक करता हूँ,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसके कलर को यहाँ पर छेड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्लू कलर को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ और सिंपल से इसको राइट क्लिक कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटच के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फेस पर एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्किन स्मूथ को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं और सिंपल से इसको हम राइट क्लिक कर देंगे। अब फोटो को सेव करने के लिए अभी आप लोग क्या कीजिएगा, ऊपर साइड में आपको एक एरो टैप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से सेव ए न्यू फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, QR कोड को डाउनलोड कर लो और अपने फोटो पर ट्राई करके एक बार जरूर से देखना। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।